नमस्कार दोस्तों, गुज्जू इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में या एप्पल के फ़ोन में आप आईपी एड्रेस कैसे मैन्युअली डाल सकते हैं। आईपी एड्रेस मैन्युअली डालने का फ़ायदा ये है कि इससे आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया मिलेगी। ज़्यादातर केस में आपको आईपी एड्रेस मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन कई बार इंटरनेट का जो आपका कनेक्शन घर पे लगा हुआ रहता है उस पर कई बार आपको ब्राउजिंग का इशू रहता है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तब आप अपने वाईफाई के सेटिंग जो मोबाइल में है उसमें आईपी एड्रेस मैनुअली डालेंगे तो आपकी वाईफाई की स्पीड भी मोबाइल में बढ़ जाएगी और आपका कनेक्शन बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो आज मैं आपको आईपी एड्रेस को मोबाइल में कैसे डालते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो वाईफाई कनेक्शन है उसको कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल से। मेरा ये जो वाईफाई कनेक्शन ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं आपको सीधे उस पर ले जाता हूँ। ये मेरा रियल मी नार्जो 20 जो कनेक्टेड किया है, ये मैंने अपने दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आपको समझाने के लिए ये मैंने किया है। आपका अगर घर में कोई वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, BSNL का, जियो का, एयरटेल का, GTPL का या कोई भी, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपने राउटर को कनेक्ट कर लेना है आपको। अभी इसको आपको उसके राइट साइड में आपको स्टार का जो ऑप्शन दिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें नीचे ऑटो रिकनेक्ट और नीचे एडवांस लिखा हुआ है, यहाँ नीचे हम एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों लिखा हुआ है। ज़्यादातर केसों में ये DHCP बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा आपका। उसके लिए आपको अगर मैनुअल आईपी एड्रेस डालना है तो उसको आपको DHCP से सिलेक्ट करके स्टैटिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टैटिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आईपी एड्रेस है, दूसरा गेटवे है, तीसरा नेटवर्क प्रीफिक्स है, चौथा DNS1 है और पाँचवा DNS2 है। ये पांचों चीज़ें हमें मैन्युअली इसमें डालनी है आईपी एड्रेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस में। ये जो आईपी एड्रेस मेरा डाला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, वो मेरे दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट लिया हुआ है, इसलिए ये आईपी एड्रेस। अगर आप किसी राउटर का या फाइबर कनेक्शन का आपका जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस डालने जा रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1.1 रहता है राउटर का आईपी एड्रेस। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.15 या 45 या जो भी, आपको कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, 254 के पहले का कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। ये नंबर डाल देने के बाद अगर आपका जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस क्या है वो आपको चेक करना है, और राउटर के पीछे भी आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी है वो लिखा हुआ रहता है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमें डालना है 192.168.1.1। ये हमें आपको समझाने के लिए ये डाल रहा हूँ, जिससे आपको इजीली पता चल सके कि राउटर का आईपी एड्रेस कैसे मैन्युअली हम मोबाइल में डाल सकते हैं। उसके नीचे प्रीफिक्स नेटवर्क है, उसको हमें कुछ नहीं करना है। उसके नीचे जो DNS है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट में 4x8 लिखा हुआ होगा, ये गूगल का DNS सर्वर है, ज़्यादातर केस में यही सब में डला हुआ रहता है तो वो डाल सकते हैं। और अल्टरनेट DNS जो DNS2 है उसमें भी आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी एड्रेस वो ही डाल देना है .1.1। ये डालने के बाद आपको सिर्फ सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको बैक करके निकल जाना है। इस तरह से आप अपने मोबाइल में मैन्युअली आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। इसके कारण आपके मोबाइल की स्पीड बहुत बढ़िया बढ़ जाएगी। अगर आप एप्पल का फ़ोन आईफोन यूज़ करते हैं उसमें तो मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि आप किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन जो यूज़ करते हैं उसके आईपी एड्रेस को मैन्युअली अगर आप आईफोन में डालेंगे तो आपका आईफोन में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही बढ़िया आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।